Now students, good morning. Today we will start chapter number 2, Roman numerals. We study about Roman numerals in previous class also. Class 3rd, 4th में भी आपने Roman numerals पढ़े हैं. What is Roman numerals? The Romans use 7 basic symbols. Romans का जो use होता है वो 7 letters से यूज़ किया होता है, हमने पढ़ा है ये भी पहले. दीज सिंबल्स आर यूज इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस टू राइट वेरियस नंबर्स. इन 7 जो लेटर्स होते हैं इनसे हम बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, इन 7 लेटर्स का यूज़ करके. द रोमन नंबर न्यूमरल सिस्टम डज नॉट अलाउ फॉलो प्लेस वैल्यू सिस्टम. ऑल्सो देयर इज़ नो सिंबल फॉर ज़ीरो इन दिस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. रोमन न्यूमरल में प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई सिस्टम नहीं होता. जैसे हम नंबर्स को रीड करते हैं ना हिंदू अरेबिक में, 1, 10, 100 की प्लेस पर है, ऐसा रोमन न्यूमरल्स में नहीं होता है. और इसमें ज़ीरो के लिए कोई सिंबल नहीं होता है. प्लेस वैल्यू जो ज़ीरो हम नंबर लिखते हैं उसके लिए कोई सा भी नंबर यहाँ अल्फ़ाबेट गिवन नहीं होता है. आप यहाँ देखेंगे रोमन न्यूमरल्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको चार्ट गिवन है. ये 7 लेटर्स होते हैं, आई V, X, L, C, D, M. ये रोमन न्यूमरल्स डिनोट्स करते हैं. हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स किस किस नंबर को डिनोट करते हैं? ये I को रिप्रेजेंट करता है 1, V को रिप्रेजेंट करता है 5, X मतलब 10, L मतलब 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500, M मीन्स 1000. इट मीन्स आप इन लेटर्स का यूज़ करके आपको यह नंबर्स गिवन हो गए कि इसका मतलब ये होता है. अगर हमें 6 बनाना है तो V मतलब 5 प्लस 1 मतलब I, तो हम V और I लिखेंगे, इट मीन्स वो हो गया 6. इसी तरीके से आप इन लेटर्स को मिला के बहुत से नंबर्स बना सकते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स. आपको यहाँ नंबर्स दिए गए हैं सिंपल, आपको उनको रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है. अब हमें यहाँ 9 बनाना है. अब यहाँ पे देखिए चार्ट में 9 तो कहीं गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है? 10. तो हम 10 के लिए यहाँ क्या लेंगे? एक्स. अगर हम देखेंगे यहाँ आगे 1 आई लगाते हैं, यहाँ हमने अगर आगे आई लगाया तो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये तो क्या हो गया 10 और ये क्या हो गया 1. तो 10 प्लस 1 क्या हो गया? 11 हो गया. तो दिस इज रॉन्ग. इसके लिए हम क्या करेंगे? 9 बनाने के लिए x लिया हमने. x अगर हमें स्मॉलर नंबर फाइंड करना है तो हम -1 ग्रेटर अल्फाबेट में से हम माइनस करेंगे, मतलब हम लेफ्ट साइड लिखेंगे उसके. i 10 मतलब x मतलब क्या था? 10. I मतलब 1, मतलब हमने इसके बैक साइड लिखा है, मतलब माइनस हो रहा है. मीन्स 10 माइनस 1, x मतलब 10 था और I का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 1. तो x माइनस 1 क्या हो गया? 9. तो वी राइट 9. 9 हम कैसे लिखेंगे? 1 और x, I और x. इसी तरीके से B वाला देखेंगे, यहाँ हमें क्या बनाना है? 12. 12 के लिए हम लेंगे पहले 10 मीन्स x, देन डबल आई, आई मीन्स 1 और 1 12, 10 11 एंड 12. ठीक है. सी 23, 20 बनाने के लिए पहले हम क्या लेंगे? 2x मीन्स 10, 10 प्लस 10 20, देन 3 बनाना है हमें तो क्या बनाएंगे? 1 2 3. ये हो गया हमारा 23. ओके, सेम एज 28 भी, पहले 20 बनाएंगे हम, बनाया 20, देन 8 बनाना है हमें. V मतलब 5 6 7 8, 28. ओके, नाउ E एंड F इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. अब आपको यहाँ पे ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के अकॉर्डिंग नंबर लिखना है. यहाँ पे आपको रोमन नंबर गिवन है. A वाला V मतलब 5, I मतलब 1, 5 प्लस 1 कितना हो गया?
सिक्स, इट मीन्स ये क्या है, सिक्स है। बी, एक्स मतलब क्या था, टेन। आई मतलब वन, तो यहाँ कितने आई गिवन है हमें, वन टू थ्री, इट मीन्स कितने हो गए ये, थ्री। टेन प्लस थ्री थर्टीन, इट मीन्स ये क्या है, थर्टीन। सी वाला भी सेम एज है, एक्स एक्स डबल एक्स मतलब क्या है, ट्वेंटी। अब वी माइनस वन देखेंगे, ट्वेंटी फोर। ओके डी, अब यहाँ देखिए ट्रिपल एक्स है मतलब टेन टेन टेन, थर्टी और आई मतलब वन, तो ये क्या हो गया, थर्टी वन। ओके सेम एज ई एंड एफ इज योर होमवर्क, एक्सरसाइज वन इज ये कंप्लीट, नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन। हरे कृष्णा, हैव अ ग्रेट डे।